कफ जम जाने से नसों में जकड़न आ जाती है, जिससे पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। ठंड के मौसम में और ठंडी चीजों का अधिक सेवन करने से ऐसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आमतौर पर जो लोग ठंडे पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, उनमें कफ की समस्या अधिक देखने को मिलती है। पसलियों में दर्द हो जाने पर व्यक्ति के सीने में दर्द होने के साथ बेचैनी भी बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जिनसे पसली के दर्द में आराम मिल सकता है। पहला है लौंग। सर्दी, खांसी और कफ की समस्या में मुंह में लौंग रखकर चूसना फायदेमंद हो सकता है। इससे काफी आसानी से निकल जाता है और पसलियों के दर्द भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा दमा जैसे श्वसन रोगों में भी लौंग फायदेमंद होती है। दूसरा है अजवाइन। 250 ml पानी लेकर उसमें 1 चम्मच अजवाइन मिलाएं और तब तक उबालें जब तक पानी चौथाई न रह जाए। रोजाना सोने से पहले 2 चम्मच इस काढ़ा के सेवन से थोड़े ही दिनों में पसलियों के दर्द से आराम मिल जाता है। अगला है सरसों का तेल। लगभग 20 ग्राम अजवाइन और 5 लहसुन की कलियों को 250 ml सरसों के तेल में मिलाकर उसे धीमी आंच पर गर्म करें। तेल की मात्रा जब आधी रह जाए तो गैस बंद कर दे और ठंडा हो जाने पर इसे कांच की बोतल में भर ले। जब भी पसलियों में दर्द हो तो इस तेल से मालिश करने पर आराम मिलता है। अगला है तुलसी। 5-6 तुलसी के पत्तों और 2-3 लौंग को दूध में डालकर उबाल लें। पसलियों के दर्द में इस दूध के सेवन से राहत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगला है कपूर। शरीर में वायु के प्रभाव के कारण सीने और पसलियों में दर्द होने पर कपूर के तेल का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसे दर्द से राहत मिल सकती है बहुत ही आसानी से।